हो गया। हाँ बैठो बहू जी, ओम ज्ञानते रामस्य ज्ञानं शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकुलद्रश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेषु वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानसुती देवी प्रणमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे सर्वधर्म मेरे गुरुपाद गुरु नित्य वीरा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत शिल भवन गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कारण जो श्रवण कर रहे थे चैतन्य चैतामृतम मध्य लीला पंच विंशति पंचत पच्चीसवां परिच्छेद से हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिससे पहले चैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी के निकट संबंध अवैध और प्रयोजन तत्व के बारे में श्रवण कराया है। संबंध क्या है? कृष्ण संबंध अभिधि भक्ति है, भक्ति के बारे में श्रवण कर। दो प्रकार की भक्ति, कौन सा भक्ति है? एक वैधि भक्ति और एक रागानुग भक्ति। इसी प्रकार भक्ति की विचार विवेचन करके फिर प्रयोजन तत्व के बारे में बताया है। इस कथा हम लोग करीब 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 दो महीने लग गए, एक ही कथा को बार 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 रिपीट करते रहते हैं। विधि मार्ग रत जने साधीनता रत्न गणे राग मार्गे पराम
विधि मार्ग के अवलंबन करते हैं, विधि मार्ग के लेकर के चलते हैं और धीरे धीरे सत्संग आदि के प्रभाव से फिर राग मार्ग में प्रवेश करते हैं। ब्रजवासी के हृदय में स्वाभाविक रूप में कृष्ण को जो प्रकार जो अनुराग है उसी की कहा जाता है राग का राग मार्ग। ब्रजवासी जन कृष्ण की जो नित्य परिकार जो है दस सख वात्सल्य आदि और माधुर्य भाव आदि के द्वारा कृष्ण के साथ एक संबंध रहा है, उस संबंध के अनुसार कृष्ण के सती कृष्ण के साथ प्रेम प्रति आदि का प्रेम सेवा आदि का लाइट भी आ गई। विधि मार्ग रतजने साधीनता रत्नदाने राग मार्गे पराण प्रवेश। ब्रजवासियों की जो है स्वाभाविक कृष्ण के प्रति जो प्रेम प्रीति है इसके राग मार्ग का राग काल इष्टे सादस्य राग परम अभिजता भवे तन्मय भवे भवित भूषा रागात्मिका प्रतिका रागात्मिका अनुसिता सा रागानुगा उच्च के हृदय में दो विशेष वैशिष्ट्यता कृष्ण की सेवा एक अभिष्ट इष्टे सारस पर अपने रस के अनुसार वो कृष्ण की सेवा इष्टे सारस राग परम अभिष्टता और उत्कंठा रहा जैसे सुबोल सदानंद यशोदा राधा आदि गोपी के हृदय में कृष्ण सेवा कृष्ण मिलन के लिए प्रारण क्या रहते हैं उत्कंठा है उत्कंठा। इसलिए ब्रज की प्रेम को जो है तीन विभाजन करके देखा, एक उत्कंठा में प्रेम कहा जाता है और एक होता है विश्रम प्रेम और दूसरी है तीसरी है विवेक सुनने के और याद करा के अच्छा लगता है। ब्रजवासी विशेषकर के गोपियों के हृदय में जो प्रेम उसके कारण होता है उत्कंठा में प्रेम का जैसे प्यास लगने पर आप क्या पियोगे, फल दिया जाए खरबूजा दिया जाए लाल लाल खरबूजा आपको अच्छा लगेगा पानी पिला। जब आप कहाँ से कहीं से आप आ रहे हो गर्मी से है आप कहोगे क्या मुझे पानी पिला गला सूख रहे हर उस समय अनेक प्रकार की फल मिठाई आदि दिया जाए आप कहेंगे ये मुझे नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए पानी शुद्ध जल चाहिए उत्कंठा। ब्रजवासियों के हृदय में ये विशेष वैशिष्ट्य उत्कंठा विशेष करके गोपियों के हृदय के जो हृदय में जो प्रेम उसे कहा जाता है उत्कंठा में और माँ तो सुत के हृदय में वही प्रेम तात्पर्य कृष्ण दर्शन बिना उनकी और कोई अच्छा नहीं है प्रभाव उत्कंठ जैसे हम सांस बिना नहीं रह सकते हैं पानी में डुबा दिया जाए दो मिनट आप मुझे फिकर करके उन्हें कूद करके आओ ही कर पानी है ठीक उसी प्रकार ब्रज में इस समस्त गोपियों की प्रेम की कहा जाता है उत्कंठा मनते
कृष्ण विरह में इतने उत्कंठित होते, तड़पते रहते, कृष्ण की साक्षात दर्शन, डायरेक्ट दर्शन करके उनकी हृदय में इच्छा होती है। इसलिए कृष्ण गोपियों की संतना देने के लिए उद्धव भी भेजा। उद्धव देखकर, उद्धव तो आए थे किंतु ब्रज गोपियों की जो है संतना दे नहीं पाए। आज और उद्धव अनंतर यही समस्त प्रेम आदि देख करके वो तो आश्चर्य हो गए, न भूत न भविष्य। उद्धव की कहानी पढ़ा जे महिषी होगी सुदुर्लभम, ऐसे प्रेम नित्य समझुजाम, द्वारका में जो रहने वाली जो महिषियाँ जो ऐसे हैं, रुक्मिणी सत्यभामा आदि नित्य रहते हैं, क्योंकि उनकी हृदय में ये प्रेम संभव नहीं, क्योंकि सुदुर्लभ है। और अंत में उद्धव छह श्लोकों के द्वारा गोपी की चरण धूलि प्राप्ति करने के लिए स्तुति आ गई, जैसे कहा जाता है आसाम चरण जुसाम शाम, एक एक करके छह श्लोक उन्होंने स्तुति आ गई। क्यों देखा वास्तव में, फिर कृष्ण जब मथुरा से जब द्वारका चले गए तो वहीं पर उद्धव भी उनके कहने लगे, जाओ ब्रज में गोपियाँ आपके लिए कैसे तड़प रहे, आप एक बार जाकर के सांत्वना दे। कृष्ण कहने लगे जाएंगे जाएंगे आएंगे, भागवत के अनुसार कृष्ण आए। यह तक भी बलदेव प्रभु भी बार बार कृष्ण कहने लगे कृष्ण तुम जाओ, वो संभव कृष्ण केवल कहें जाएंगे जाएंगे। अनंतर बलदेव प्रभु भी पधारे, किंतु बलदेव प्रभु भी देखा उस समस्त ब्रज गोपियों के प्रेम को, जो रामघट की कथा श्रवण करते हैं मुझे सुनाते, क्योंकि ब्रजवासियों के प्रेम की कथा साक्षात गोविंद दर्शन है और कुछ नहीं। जैसे छोटा कम आग हो पानी डाल दो तो बुझ जाएगा, यदि बृहद अग्नि हो विशाल अग्नि आग हो है, जैसे जंगल में दाबानल होता है ना है, हम लोग हर रोज क्या कहते हैं संसार दावान है, दाबानल जिसको कहा जाता है, पेड़ों पेड़ों की घर्षण जिससे घर्षण से आग लग जाए है, जंगल जल ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसे और सामान्य पानी से वो भूजेगा नहीं, और थोड़ा पानी दे दो और ही बढ़ जाएगा है। ठीक उसी प्रकार बलदेव प्रभु ये सब ठीक है, इंद्र की तरह तो संभव बलदेव प्रभु आए थे है, कुछ प्रयास किया वास्तव रूप में कृष्ण पक्ष की गोपी जो है उनकी विरह को जो सांत्वना देना उनके लिए संभव नहीं। विरह कैसे एक स्थिति है, मेरे कहने की एक तात्पर्य इसलिए मैं इस कथा को इसलिए कह रही हूँ जो उत्कंठा में प्रेम की उदाहरण दे रहे हमारे दुर्गे संपाद है, प्रजोगियों के हृदय में जो प्रेम विशेष करके कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग रखने वाली गोपियाँ इस साक्षात रूप में गोविंद दर्शन गोविंद के साथ मिला नहीं चाहती है। इसलिए इंद्र की कहा गया क्या उत्कंठा हुई प्रेम सखाओं में जो प्रेम उसकी कहा जाता है कि आपने बताया विश्रम प्रेम
सखाओं के साथ इतने घनिष्ठ प्रेम होने के नाते कभी भी सखाओं के भाव में जीवन की सोच सकते हैं ये कृष्ण हमारे पास है, इतने प्रधान में गलत प्रधान में। और तीसरी जो प्रेम के बारे में जो बताया वो प्रेम क्या है, विवेक शून्य प्रेम कहा जाता है। जैसे पशु पक्षी आदमी पेड़ पौधे इनके हृदय में कृष्ण जो प्रेम को विवेक शून्य प्रेम कहा जाता है। क्यों विवेक शून्य प्रेम, मैंने विचार करके ये अपने को स्थापन कर नहीं पाते, स्थिर कर नहीं पाते कृष्ण ब्रज में है कि चले गए। एक उत्कंठा में प्रेम गोपियों के लिए कहा, सखाओं के लिए कहा गया, विश्रम प्रेम कहा गया। और तीसरी जो है पशु पक्षी आदि की इसको प्रेम की कहा जाता है विवेक सुनो प्रेम का, विवेक मैंने विचार के द्वारा सुनना। क्योंकि कृष्णा हर रोज तो एक स्थान पर नहीं जाते हैं, कभी तमाल वन में जाते हैं, कभी भांडी वन, कभी माड वन, कभी ताल वन गोचारण के लिए जाते हैं। तो उधर की जितने पशु आदि जो है हिरण आदि अथवा वृक्ष आदि सोचते हैं कृष्ण आते होंगे हैं आ रहे हैं, ऐसे ही चला जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारे जीव को स्वयं बाद में ब्रज के प्रेम की इसी प्रकार विशेषता दे, मेरी जो कथा जो बताते ब्रजवास के हृदय में जो प्रेम इष्टे सारस्य का राग परम अभिष्टता बनी तमें तो भवित सा रागात्मिका कविता रागात्मिका मनुष्य का सा रागानुरा विराजती हृदय ब्रजवासी जनादिशु ब्रजवासी जो जन जो कृष्ण के नित्य ब्रजवासी कहने से कृष्ण के नित्य परिवार जन की समझना चाहिए। अर्थात कृष्ण के सरस्वती मूर्त प्रकाशमान ऐसे सदा सतत अभिष्ट भी रहते हैं। ऐसे ब्रजवासी के प्रेम माधुर्य की कथा श्रवण आदि के द्वारा हृदय में जो लोभ उत्पन्न होता है अब उसी प्राप्ति करने के लिए हम उत्कंठ में अनुशीलन आदि करते हैं, उसी के अंदर रागानुभव है। ये समस्त विचार वैशिष्ट दिखा चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर करके दिखाया ये ब्रज की प्रेम की महात्मा है। सब कथा में हम लोग संक्षेप रूप में श्रवण किया ये प्रेम क्या संबंध अभिज्ञान प्रयोजन तत्व के बारे में महाप्रभु ने बताया बहुत सुंदर समय। और उन्हीं चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है आचरण करके अनुभव करके जगह जीवों के जो है वितरण किया जिससे हमारे जीवों को सभी पास वर्णन कर रहे हैं अनाकृत चली चिराग वर्ण अवती समय वय के उन्नत उज्जवल संसुभक्ति श्रिया हरि ही पुण्य सुंदर जति कदा संदीर्घित सदा हृदय कंदरे स्फुरति बहु सचिव यही चैतन्य महाप्रभु के विशेष अवदान और वैशिष्ट रसिक शेखर कृष्ण परम करुण प्रेम रस निर्जास करते आस्था रहे राग मां के भक्ति लोग कोई को विचार संत चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम रस के निर्जास को आस्वादन करना और जगत जीवों की जो है वही प्रेम रस की छिपी पुटी जो है जगत जीव को विकरण कर रहे हैं। और उसी प्रेम को प्राप्ति करके लोग कैसे उन्मत्त भी हो गए हैं जिस समय ठाकुर क्या बोले नौतम दास ठाकुर और भी कहते हैं वैष्णव ने पदावली के लिए कहा गया ब्राह्मण चंडाले करे कोड़ा के लिए कभी बाई छिड़े राम है
जाति भेद आदि सब भूल जाते हैं। ब्राह्मण है चंडाल है, प्रेम में उन्मत्त होकर के एक दूसरे के किस प्रकार आलिंगन करके आंखों के आंसू की धारा प्रवाहित होकर के नित्य गीता बताना, यही है महाप्रभु की प्रेम धर्म की एक विशेष वैशिष्ट्यता। इसलिए नरहरि ठाकुर तो यही कहते हैं, यदि गौरांग नहीं तो तबे की हुई तो केमने धरी ताम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तो। यदि चैतन्य महाप्रभु अधुना अभी इस धराधाम में प्रकट नहीं होते, राधे के प्रेम की महिमा कौन प्रकाश करते, कौन जाना है। यदि गौरांग नहीं तो तभी की हुई तो केमन है धरी काम के राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत ही जाना है। प्रेम रस की सीमा कहाँ तक हो सकते है, कौन समझा है। महाप्रभु पहली तो अनेक रसिक आचार्य लोग भी आए, नाम भी आप लोगों ने सुना है, जिससे विद्यापति चंडीदास ऐसे ऐसे महान कवि लोग भी आए हैं। यहाँ तक भी कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ के लेखक है बिल्लमंगल ठाकुर है, इतने सुंदर सुंदर श्लोक आदि आदि के द्वारा भी रचना की, जिस कथा को चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं आस्वादन करते थे, सर्व दमोदर आय रायमंदिर के साथ करते हैं। कितना सुंदर कथा है, रायर नाटकार स्वरूप ये गाना विरहेर काले दुहे राखे परान। चैतन्य महाप्रभु जब एक विरह में डूब जाते थे, था उदास करते थे, कहाँ मोर प्राणनाद मुरली बदन, कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ रे कही वो दुख केमा ठेजा नहीं मर दो ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मर दो। महाप्रभु का मैं हृदय को कैसे प्रकाश करूँ, महाप्रभु दिन रात करो कहा मोर प्राणनाद मुरली वदन, वो मुरली वदन कृष्ण कहाँ है, पाप उनके दर्शन करें है? क्या मुझे मुझे दर्शन देंगे। चैतन्य महाप्रभु अपने को विरहिणी राधा की भांति राधुकी कहा मोर प्राणनाद मुरली वदन, वो मुरली वदन कृष्ण कहाँ है, जो सिखिपिंच मौली जो सिर पर सुंदर मोर पंख के जो है धारण करके रखे, मन नमस्कार करते हुए तिरछी नजरों के द्वारा सभियों के चित बन के जो है चुलात में लुहाती हुई चल है, वो कहाँ है। महाप्रभु मत हो जाए और उस समय सर्व दामोदर और राय रामानंदर महाप्रभु के निकट अनेकों कृष्ण की लीला कथा जो है कीर्तन करते थे, विशेष करके सर्व दामोदर विद्यापति चंडीदास आदि की कीर्तन जब करते थे, महाप्रभु के विरह क्या हो जाते और भी बढ़ जाता है। आज बुद्धदेव की कथा सुन रहा है, स्मरण आया और उस समय महाप्रभु के जो सेवक है गोविंद कहते थे ये सर्वदंड राय मंदिर क्यों आते महाप्रभु के पास है, एक तो महापुरुष शोधी पाते दिन रात केवल हरिनाम करते हैं रोते हैं, और ये लोग आकर के नाजी क्या क्या कथा सुनाते हैं और क्या बोलते हैं, और महाप्रभु और भी रोते हैं। कवि चैतन्य महाप्रभु सर्व दामोदर अथवा रायानंद की कलता पकड़ करके रोते हे रायानंद क्या कृष्ण मुझे दर्शन देंगे,
मेरे हृदय में तो प्रेम नहीं है, ना प्रेम हो गम दोस्ती हरे धराय। मेरे हृदय में प्रेम की गंध तक पी ली है। आज किसी पर के महाप्रभु है कंदायनी सौभाग्य किसने रोते हो, लोग कहेंगे मैं प्रेमी है, किंतु वास्तव मेरे हृदय में प्रेम नहीं। यदि हृदय में मुझे प्रेम होते है तो मैं छत पर करके शरीर को त्याग देती। जिस प्रकार मछली है, मछली किसके साथ प्रेम रखते है? पानी के साथ है। यदि पानी से उसके उठा लिया, पानी से है बाहर निकल देगा है, तो मछली क्या करेगी? छटकाएगी छटकाएगी और तड़प तड़प करके अंत में काम छोड़। तो महाप्रभु इसके उदाहरण दे रहे, वास्तव मेरे हृदय में तो प्रेम नहीं है। इसी प्रकार महाप्रभु गुरु है सर्वधाम का राय रमंद महाप्रभु कौन से कथा सुना देते, किंतु गोविंद समझ नहीं पा रहे। इनको कहते थे तुम काल से मदन है, क्यों वहां के रुलाने के लिए क्यों आते हैं? अरे एक व्यक्ति रो रहे हैं, फिर उसके मायने में कैसे बात बोलते हो तो और इससे कोई होता है? आग जल रही है और कोई उसमें और घी डाल दे आग बुझेगी तो तुम्हारे लिए, किंतु महाप्रभु की हित का तो भाव कौन जानते थे? इसलिए जत देख वैष्णवेर व्यवहार दुख कहते जानी तुम्हें परम आनंद। ऊपर से तो रोते हैं किंतु अंतर हृदय में इतने आनंद होता है वर्णन करे। तप्त इच्छुक जो इच्छे चरवण क्षरण न जाए, तप तो इच्छुक तप तो इकमन इकमन गन्ना है। यदि गन्ने को यदि आग में तपा दिया जाए गर्म किया जाए है और फिर उसके यदि चिबाओ क्या आएगा? रस का निकलेगा, क्योंकि रस इतने मिठास भी होगा और रस गर्म भी है, जिससे गर्म से आपको गिहा जल जाएगा छरण नहीं जाए। मिठास तो है क्योंकि छोड़ने की इच्छा बोले प्रेम की इसी प्रकार तब जो एक सुचार बन जाए छे छरण उसी प्रकार महाप्रभु के महाप्रभु की सेवा गोविंद से समझ नहीं आ रही है। देखिए महाप्रभु रो रहे किंतु अंतर हृदय में कितने आनंद है, अंतर हृदय में आनंद, बाहर में रो रहे हैं किंतु अंतर हृदय में आनंद की एक लहरें चल रही है। कथा प्रसंग इस समय कथा प्रसंग एक आज है। एक बार चैतन्य महाप्रभु ऐसे भवाविष्ट रूप है, सारी रात सर्व दामदार आनंद महाप्रभु के नाले ने कैसे कैसे कथा सुनाया और महाप्रभु रोते रोते बिहार हो गए। इसके पश्चात मन दो ढाई बज गया है, सब राय रमंद चले गए, महाप्रभु अकेला जो है गंभीरा में विश्राम कर रहे हैं। विश्राम क्या करे, महाप्रभु कृष्ण नाम जप करे और गोविंद ने कहा कि बाहर से लपट से यानी महाप्रभु ने कहीं बाहर चले उन्माद दशा हो जाती, कभी कभी चैतन्य महाप्रभु तो बाहर आकर गिर जाते हैं। इसलिए बता देखो इसके पश्चात जो है फिर मानो ढाई तीन घंटे के बाद फिर सर्वधाम का राय रमंद आ गए। पाँच बजे
हजार पांच बजे सर्वदा अंदर आ गए और बाहर कौन गोविंद बैठे हुए हैं ताला लगा कर अभी जब आगे कहती महाप्रभु अभी पांच बजे महाप्रभु उठे नहीं सारा रात महाप्रभु सोए नहीं है अभी शब्द नहीं आ रहे महाप्रभु जरूर विश्राम करे सो रहे फिर आधा घंटा शायद एक एक घंटा फिर कहने लगे खोल करके देखो इतने समय तो महाप्रभु सोचे नहीं जब ताला खोला तो महाप्रभु अंदर है ही कहाँ भी कौन पता सब भक्त लोग हवदास करने लगे कहीं महाप्रभु अंतर ध्यान हो चले महाराज प्रताप रुद्र की भी समाचार दिया गया महाराज प्रताप रुद्र अपने सैन्य आदि की जगह भेजने लगे इधर उधर देखे कहा खुश सब खुश सारी भक्त लोग भी इधर उधर और सर्व दामोदर ने क्या किया नदी के समुद्र के तट होते हुए तीर्थ के तरफ चलने लगा जब उधर तक चलने लगे देखा क्या एक व्यक्ति आ रहा था और उनके सारे शरीर ऐसे कांप रहा था कृष्ण कृष्ण ऐसे कहने का महाप्रभु ने कहा एक सर्व दामोदर ने कहा भाई कहाँ से आ रहे कहाँ से आ रहे वो कहने लगे मैं गरीब धीवर हूँ धीवर माने मछुआरा नित्य प्रत्यह हर रोज मैं समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाता हूँ भाई उस तरफ होता है ना बहुत भूत पिशाच होते रात एक दो बजे डेढ़ बजे तीन बजे भूत होता इसलिए मैं निश्चय मंत्र जप करता रहता हूँ इसलिए भूत उन्ना मुझे स्पर्श न करे किंतु उस समय क्या हुई मैं जाल को जैसे समुद्र में देगा उस समय के बाद देगा तो जाल में एक कोई विशाल विशाल मछली आ मेरा आनंद आ जब जाल को नेट को मैं ऊपर उठा तो मछली नहीं है एक विशाल क्या है मुर्दा है बहुत लंबी है मैं क्या करूँ हाथ जब मैं तो मर जाऊँ इसमें तो मुर्दा मुर्दा में भूत होता ही नहीं होता है तो क्या करूँ मैं कृष्ण निश्चय मंत्र जप करने लगे जितना ही जप किया तो वो भूत मुरे मुरे ऊपर स्वार हो गया मैं तो मर जाऊँ और ऊपर लेकर जाल और उसको मुर्दा के ऊपर रखा और मेरे शरीर का मैं तो मर जाऊंगा मेरे परिवार कैसे पालन पोषण कैसे होगा इसलिए मैं जा रहा हूँ कहाँ जो भूत पिशाच को उतारने वाला ही होगा है क्या बोलते है उसके पास जा रहा हूँ हाय हाय मैं तो मर जाऊँगा सर्व दामोदर विचार करने लगे ये किसी न किसी प्रकार से महाप्रभु की से अंग स्पर्श हुए सर्व दामोदर सामोदर समुद्र आ रही हूँ कहाँ है बताओ मेरे कहाँ वो देखो पीछे की तरफ मैं तो नहीं जा सर्व दामोदर कह रहे मैं सबसे बड़ा ओझा हूँ उनके तुम थप्पड़ इधर मारे बोले तेरा दुख चल गया जा तू कहाँ है दिखा बोले देखो सर्व दामोदर देखा क्या महाप्रभु के दिव्य शरीर है लंबी कितने फीट लंबी है आठ नौ फीट लंबा है हस्तपद आदि के जो क्या बोले संधि जो है ये खुल आँख जो है ऐसे उलट गए है और शब्द आ रहे हैं गों 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 गों
है, सर दामोदर ने किया कि फिर जाल से बाहर निकाला और फिर भक्त वहाँ पर नाम संकीर्तन करने हरि हरा ये नमः कृष्ण जादव आय माधवाय केशव आय गोपाल गोविंद राम श्रीमद सुदान गिरिधारी गोपीनाथ मदन महामंत्राज का कुछ समय के बाद महाप्रीति सारी अंग धीरे धीरे फिर सरल दामोदर ने कहे कि महाप्रभु के साथ सुधार करके उठाया है, देख देखते भक्त लोग भी पधारे, महाप्रभु के लेकर के चल पड़े। कुछ समय के बाद महाप्रभु के कुछ बाध्यत के अनाय थोड़ा महाप्रभु के तीन दशा का आता है, एक बाह्य दशा अर्धबाह्य दशा और एक अंतर दशा का है। बाह्य दशा है प्रभु करी भक्त संगे नाम अर्धवाच्य दशा में चैतन्य महाप्रभु कभी कभी बदंती अलौकिका है क्या कुछ कुछ ऐसे शब्द अलौकिक शब्द आदि बोलते रहते हैं है? क्या मैं चैतन्य मैं कहाँ चल रही कुछ अथवा कभी कभी ऐसे अलौकिक शब्द आदि बोलते हैं है? इससे विचार करना संभव नहीं। और अंतर दशा में महाप्रभु तो बिल्कुल कुछ बोलते हैं। तो आइए कथा में सर्व दामोदर जब पूछने लगे प्रभु आप कहाँ चले क्या बात है, तो उस समय महाप्रभु को स्मरण करके कहने लगे मैं वृंदावन चले यह समुद्र के नील जल नीलाभ जब जमुना समुद्र के महाप्रभु होता है जमुना भ्रमे जमुना मन और नाजनी कैसे तरते तरते मन कोणार्क के तरफ चले जाए कोणार्क सूर्य मंदिर है कोणार्क महाप्रभु कहने लगे देखो और कभी कभी ऐसे सुंदर दिव्य अलौकिक बात बोलते महाप्रभु मैं वृंदावन में चले गए और गोपियों के साथ कृष्ण के जल विहार को दर्शन कभी महाप्रभु कहते थे मैं राधा कुंड में गए धीरे बसी देखी आमी कृष्ण गोपी गणे से जल फिरा महाप्रभु कभी कभी मैं तो राधा कुंड के तट पर बैठे और कृष्ण कैसे सखियों के साथ राधा के जल में प्रेम विहार आदि कर ऐसे ऐसे महाप्रभु दिव्य अलौकिक बात लिखे तो महाप्रभु की ऐसे ऐसे सुंदर दिव्य लीलाएं दी हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो राधा कृष्ण की लीला में पुस्तक हो गई इस मस्त महाप्रभु की अपराजित दिव्य लीला जो है वर्णन किया गया अभगार क्या बोले ना है प्रतीति ये जिन लोगों की महाप्रभु के प्रति प्रबल विश्वास नहीं है सुनी लियो तार ना है प्रतीति प्रतीति मन विश्वास जो महाप्रभु की ऐसी सुंदर दिव्य आदि लीला जो सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में राधा जी को
दिव्य हनुमान का सब वर्णन किया है, दस लोगों के द्वारा है, जिसके भ्रमण गीत कहा जाता है, जल्प अजल्प सुजल्प विजल्प विजल्प आदि है। यहाँ तक करके सुखदेव गोस्वामी आगे वर्णन करने से, किंतु देखो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु की जो लीला जो है कितने सुंदर में वर्णन है। इसलिए हम कहते हैं महाप्रभु की लीला को जितनी स्मरण करोगे उतने आनंद हृदय में आनंद हो। महाप्रभु की लीला में इतने सुंदर सुंदर माधुर्य भाव भरा हुआ है, क्या होना है। प्रेम समुद्र की धाराएं मान दस दिशा की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं। वो ये प्रयाग जी कहते हैं ये पूर्व चैतन्य लीला पूर्व कहा जाता है। महाप्रभु की श्री कहते हैं महाप्रभु की लीला को बार बार पुनः पुनः आश्रम श्री कहते हैं गौर गोविंद लीला सुने गले शीला ताकि मोर ना हो। गौर गोविंद लीला एक है गौर लीला और एक गोविंद लीला, ये कौन सा है? दो अर्थ होता है गौर लीला में और गोविंद लीलामृत ग्रंथ जो है आज जहाँ पर ब्रज में राधा कृष्ण की अष्टकालीन लीला आदि वर्णन किए, इसलिए गौर गोविंद लीला सुने गले शिला है। बड़े कठिन हृदय में शिला माने पत्थर, या पत्थर क्या माने जिनके हृदय अत्यंत कठोर भी हो है, मायावादी अद्वैतवादी भी इस कथा को भी श्रवण करें उनके हृदय अति अवश्य ही द्रवित हो जाए है। जो आदि आखिर वास्तव में तो वर्णन करने के बोलना चाहते थे जी महाप्रभु है प्रकाशानंद सरस्वती के महान अद्वैतवादी, उसके ऊपर कैसी कृपा की है। इस ग्रंथ में सुंदर विधेयक वर्णन कर रहे हैं महाप्रभु की कृपा तीन जनों पर किया विशेष करके जो है, एक है जगाई माधव है, जगाई माधव की कृपा करने की महाप्रभु की जो महाप्रभु नित्यानंद के ज्यादा कष्ट नहीं हुआ है। कितने समय में महाप्रभु इस दोनों की कृपा की? अति अल्प समय में है। आज गौर नित्यानंद की अपार महिमा है, समय ज्यादा नहीं करें अल्प समय में है। और सार्वभौम भट्टाचार्य की कृपा करने के लिए महाप्रभु कितने समय लगा? एक महीने समय लगे है। और प्रकाशानंद सरस्वती है उनकी कृपा करने के लिए महाप्रभु कितने समय लगा? बोले तीन से चार साल तक लगा है। हाँ, क्योंकि विचार करके देखो जब महाप्रभु वराह देव के भाव में जब अभिष्ट थे और उस समय महाप्रभु सारे एक तो भक्ति रत्ना करके अनुसार एक चैतन्य भागवत के अनुसार है, दोनों कथा के सामान्य से महाप्रभु उस समय कह रहे काशी से पढ़ाए बेटा बता सामान्य मोर बेटा मोर अंग करे खंड खंड वेद पढ़ाए, वेद तो पाठ करता है किंतु मेरा अपराधी तो दिव्य शरीर को नहीं मानते है। महाप्रभु उस समय का है, उस समय महाप्रभु नवद्वीप धाम में थे, मेरे सन्नास की पहली कथा लिया आज मैंने, क्यों हम जो काल जो वर्णन करते हैं प्रकाशानंद और प्रबोधानंद है आज मैंने, क्योंकि बहुत लोगों की भ्रांत धारणा है ये प्रबोधानंद और प्रकाशानंद एक है। विशेष करके हिंदी भाषी लोगों के निकट
ये विचार जो है विशेष रूप में दूषित करके रखा है, क्योंकि हिंदी भाषी लोग जाते चैतन्य महापुरुष के बारे में कम जानते हैं, और विशेष करके कुछ बाबा जी संप्रदाय इधर उधर के लोग अथवा जिन लोग के साथ कोई महापुरुष का संबंध नहीं है, ना कोई कथा सुना ना की किया, जो गुरुदेव लिख रहे हैं मैं नहीं कह रहा हूँ, उन लोग ने किया कि उत्तर भारत में हिंदी भाषी लोग निकल ऐसे प्रचार करना शुरू कर दिए, बंगाल में तो प्रचार करते ही रहते हैं इसके बारे में, और फिर बंगाल में प्रचार करने लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी हो जाता है, और उत्तर भारत के लोग तो महापुरुष के बारे में बिल्कुल जानते नहीं है। इसलिए अनेक लेखक गुरुदेव यहाँ पर सारे एक एक लेखक के जो है नाम उल्लेख किया गया है, हाँ जी, और वो लोग प्रचार जब लोग इसके सत्य मान लेते हैं, चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत वा भक्ति रत्नाकर सब बंगला ग्रंथ है, हाँ जी, और उत्तर भारत के लोग बंगला तो जानते नहीं, और वो लोग जैसे बोलते हैं और उसी की वो सत्य मान लेते हैं, फर्क करके देखते हैं ये बछड़ा है कि बछड़ी है, समझना कर ठीक उसी प्रकार उत्तर भारत की लोग है, जैसे यहाँ से जाते हैं अनेक लीला आदि दिखाते हैं, यह मैं बोला यह है जब 86 और 85 में से है ये पर जंपियर में जो है महाप्रभु की लीला म्यूजियम के पास, हाँ तो महाप्रभु गुरुदेव सैन जाते थे, हम लोग भी जाते थे, फिर जहाँ जहाँ पर उनकी त्रुटियां होती थी गुरुदेव यहाँ पर प्रवचन में जो है बता देते थे इस लीला में ये लीलाएं जो है वो ठीक नहीं है, आसान याद है गुरुदेव दिन में प्रातः काल में गौर लीला और शाम में जो है कृष्ण लीला, गौर लीला में जरूर गुरुदेव जाते थे, हिंदी भाषा में बोलते है, और फिर गुरुदेव प्रवचन में जब बोल बैठते थे तो कम से कम 10-15 मिनट जो है उस लीला के कहाँ कहाँ पर त्रुटियां उसके बारे में बोलते थे कि हम लोग गुरुदेव के साथ जाते हैं, बोलिए इसमें है? तो यहाँ पर जो है जो कथा में बोलने की जा रहा था कोरोना के बुरनालय सचनंदन गौर हरी और नित्यानंद प्रभु दोनों से जगह माधव की उद्धार कर दी, और उसके और से समय में समय ज्यादा नहीं जाए, एक तो नित्य परिकर ली है ही जय भी है, और दूसरी सार्वभट्टाचार्य सार्वभट्टाचार्य की भी कृपा करने के लिए बाबा उनके उद्धार करने के लिए कितने समय लगा दिया, एक महीने लगा दिए, और प्रकाशानंद सरस्वती की जो है उसके उद्धार करने के लिए 3 से 7 साल तक लगाना पड़ा, क्योंकि महापुरुष जी मैंने कहा था चैतन्य चैतामृत और चैतन्य भागवत और भक्ति रत्नाकर ये तीनों ग्रंथ जो है गौड़ीय विष्णु की प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, महाप्रभु की लीला के बारे में जानने के लिए 3 ग्रंथों की अवश्य अध्ययन करना चाहिए, इसके आगे के ग्रंथ तो है ही है क्योंकि तीनों ग्रंथ की सामंजस्य करना पड़ेगा महाप्रभु की लीला, क्योंकि मैंने इसलिए कहा था महाप्रभु जब नवद्वीप धाम में जो लीला आदि कर रहे थे उस समय महाप्रभु सहन कर रहे थे ऐसी थे पढ़ाए बेटा पका संबंध मोर अंग करे क्या
खंड 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 है वहां पे बहुत वहां पर कुष्ठ रोग के कारण है, उनको मैं कुष्ठ व्याधि दे दूंगा, ऐसे ऐसे महापुरुष भी साफ दे रहे है इसमें जो लिखा है। दुष्ट है, वेद पढ़ते हैं किंतु वेद के जो है स्वरूप को नहीं जानते है। वेद तात्पर्य केवल कृष्ण के कार्य और कृष्ण के भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते है। संकर अवलंबन संकर पंडित के मेन जो दोष क्या है, भगवान के उपग्रह की जो अपराजित चिदानंद से वो मानते हैं, ये नस्तर मानते हैं, यही उनकी पहला दोष होता है। भगवान किसी सुंदर विग्रह ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण है इसे बनना। अरे श्रीमद् भागवत में ब्रह्म स्तुति में भी नौ मिटते अब्रभु कुछ, फिर आज जो पढ़ा था किसका नहीं वो जागीत पत्नी के जो है स्तुति आदि श्याम हिरण्य प्रदि वर्माल दर्भ, फिर गोपियों की जो स्तुति गोपियों की जो कैसे सुंदर वर्णन कर रहे हैं बरा पीरन अरोर, इतने सुंदर भगवान के इतने सुंदर रूप भागवत वेद पुराण आदि समस्त लिखा है। सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत मिश्रते भागवत पत्र है, कम से कम ये तीनों श्लोक में तो भगवान के स्वरूप की सुंदर वर्णन हुआ है। तथापि भगवान की नित्य शाश्वत चिरंतन विग्रह को स्वीकार नहीं करता, यही नहीं पता है। फिर महाप्रभु ने क्या किया, सन्यास लिया, महाप्रभु सन्यास लेने के ये कारण भी उसमें बता रहे हैं। जो प्रेम दान करने के लिए महाप्रभु आए थे कि छह प्रकार के व्यक्ति भक्त पंडित कुतार्की मायावादी पोलुआ और पंडित ऐसे लिखे दारा धनिया पढ़ाई है, और महाप्रभु बोले नहीं इनको भी मैं प्रेम प्रदान करूंगा, और महाप्रभु उनके पीछे पीछे दौड़े एक एक करके पकड़ा और उनको भी प्रेम दिया। सारंग भट्टाचार्य जी को धार किया है और फिर महाप्रभु यही विचार करने लगे जी सन्नास देखिए मुझे परी में प्रणाम है, सन्नास बुद्धि अमाय सन्नास सन्नास के देख करके कम से कम प्रणाम करेंगे और प्रणाम करने से उनके सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। यही तो करना जब भी अनेक कारण दिखाया गया, मैं तो दो एक कारण बता रहा हूँ, अनेक कारण है। सन्नास बुद्धि हमारी करी भी प्रणाम है, क्योंकि महापुरुष स्वयं भगवान है श्री नंदन गौरी साक्षात कृष्ण है, स्वरूप के चरण में अपराध हो जाए वो नष्ट नहीं होता, नाम के चरण में अपराध होने से पुनः पुनः नाम करने पर नाम अपराध नष्ट हो जाता है, विग्रह के चरण में अपराध होने पर है विग्रह सेवा आदि के द्वारा है, फिर विग्रह आदि सेवा आदि के पश्चात क्या करना पड़ता है, विग्रह सेवा करने की जो अपराध होता है, और अंत में अर्चन देवी क्या लिखा ना है स्तुति करना पड़ता है, ये विशेष के पुजारियों के जो है ये विशेष ध्यान देना पड़ता है अर्चन देवी का निकालना है। जो लोग पुजारी होते हैं ठाकुर जी के पूजा करने के बाद अंतिम शयन के पश्चात जो है हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करते हैं है? अंत में ठाकुर जी के शयन के बाद क्षमा प्रार्थना के श्लोक है इसलिए विग्रह सेवा आदि के जरा क्षमा प्रार्थना करने से विग्रह सेवा किंतु अपराध को होना स्वाभाविक है। कोई विग्रह सेवा करे उसको अपराध नहीं होते ये नहीं कर सकते है, क्यों विग्रह सेवा अर्चन पति विधि मार्ग है कहा गया पक्का विधि मार्ग नियम कानून चलता रहता है, अर्चन है ना अर्चन मार्ग विधि मार्ग चलता रहता है, क्योंकि असावधान तो हो ही जाता है
ऐसे कोई कहे जी मैं अर्चन करता हूँ मेरा अपराध नहीं होता है, ऐसे नहीं कह सकता है। इसलिए उसमें इसलिए लिखा है अपराध के विग्रह से बाद के अपराध हो जाता है, तो इसलिए बाहर आकर के बड़ ठाकुर जी के सामने मैंने दरवाजा बंद करेंगे पहले ठाकुर जी के सामने स्तुति आदि करते हैं। इसलिए विग्रह सेवा की अपराध नष्ट हो जाए भगवान लेते नहीं, अल्प अपराध भगवान नांदय कहा है। इसलिए महाप्रभु सन्यास लेकर के पहले जगन्नाथपुरी में गए, सर्वम भट्टाचार्य की उद्धार किया है, और फिर चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए, अरे महाप्रभु कहाँ चले, राघवानंद से मिले, राघवानंद के मिलने के पश्चात फिर महाप्रभु वही श्रीरंगम में पहुंचे जहाँ पर वेंकट भट्ट, त्रिमल भट्ट और प्रकाशानंद सरस्वती, प्रबोधानंद सरस्वती ये इनके कैसे महाप्रभु कृपा दे दिखाए, तो ये सब दिखाए। फिर महाप्रभु फिर जब आए जगन्नाथपुरी आए और फिर वृंदावन को जब चलने लगे, वाराणसी में जब पहुंचे तब इनके साथ मिले कौन, प्रकाशानंद सरस्वती। वो तो निमंत्रण के कार्य बोले ना, वो सीधा तो इसलिए गुरुदेव ये बुद्ध ये दे रहे, ये महाप्रभु जब नवदीप धाम में थे तब वो प्रकाशानंद सरस्वती क्या था, सन्नासी थे, सन्नासी वही पर लिखा है महाप्रभु का भी सन्नासी। और फिर महाप्रभु यदि प्रबोधानंद वही यदि प्रबोधानंद सरस्वती हो तो वो मायावादी के छोड़ करके क्या हो गया, सी संप्रदाय में दीक्षा लेकर के कैसे हो जाए है। और फिर महाप्रभु जब वाराणसी में पहुंचे और श्री संप्रदाय के छोड़ करके फिर कैसे मायावादी कैसे बने है, ये नहीं हो नहीं सकता। इसलिए गुरुदेव बहुत सुंदर युक्ति स्थापन करके ये दिखा, मेरे कहने की यही तात्पर्य था है। वंशार को विवाह सुंदर के कथा को मैं अवज्ञा नहीं करता हूँ, हो सकता है आप नहीं आते हैं बाहर करते थे आप लोग भी चलने जिस करके आपकी कथा तो नहीं सुनता है, आपकी कथा सिद्धांत है अपराध आपको तो मैं सब सुन से ही सम्मान करता हूँ। चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च कृतानां पापिभ्यो वैष्णवेभ्यो वन्दे।